हेलो गाइस, वेलकम टू कोटा गुरु। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ डिफरेंट सेल्स के बारे में। जैसे अब तक हम लोगों ने सेल्स पर नर्सरी क्वेश्चन यूज किया था, डेनियल सेल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। एक हमारे पास कॉपर होता था और एक जिंक हुआ करता था, और हम दो अलग अलग इलेक्ट्रोड से एक के ऊपर एक को एनोड पर रखते थे, दूसरे को कैथोड पर रखते थे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस करवाते थे और सेल बनाते थे, सेल ईएमएफ जनरेट होता था। प्रॉब्लम ये आ रही थी कि कभी कभार डाउट आ रहा होगा कि सर, अगर मेरे पास ऐसा हो सकता है कि मेरे पास दो सेल ना हो, मतलब दो इलेक्ट्रोड ना हो। जैसे मेरे पास एक क्या है, जिंक इलेक्ट्रोड, एक कौन सा था, कॉपर इलेक्ट्रोड था या नहीं था। अब तुम बोलोगे सर हमारे पास सिर्फ कॉपर इलेक्ट्रोड है या हमारे पास सिर्फ जिंक इलेक्ट्रोड है, तो क्या हम सेल बना सकते हैं? क्या कोई ऐसा मेथड है जिसमें हम इसके थ्रू सेल बना सके? तो डेफिनेटली हम सेल बना सकते हैं। उस सेल को बनाने के लिए हमको कुछ न कुछ वेरिएबल तो लाना पड़ेगा। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम सारे इलेक्ट्रोड पर, मेरा पूरा ध्यान किस पर था, इलेक्ट्रोड पर था। इलेक्ट्रोड से कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करवा दें, इन चीजों पर ध्यान दे रहे थे। कैसे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, इन चीजों पर ध्यान दे रहे थे। पर एक और चीज है, अगर हम इलेक्ट्रोड्स को सेम रख देते हैं तो हमारे पास एक और यूनिट है, कौन सा, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है या नहीं। तो क्या हम उस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को चेंज करके सेल बना सकते हैं? डेफिनेटली बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे उसको? बोलेंगे सर अगर हमको इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट करवाना है, ठीक है, सेल बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर हो जा रहा है तो इसका मतलब सेल बन जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हायर से लोअर तक किसी न किसी का ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, कोई ना कोई एक हायर पोटेंशियल बनना चाहिए, कोई ना कोई एक लोअर पोटेंशियल बनना चाहिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होगा उसके कंसंट्रेशन को चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, एक सेल बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे हम, आइए यहां पर देखते हैं। जैसे हम इसका नाम दे देते हैं कंसंट्रेशन सेल, इसका नाम क्या दे रहे हैं, कंसंट्रेशन सेल। क्यों? क्योंकि यहां जो हम सेल बना रहे हैं उसमें हम कंसंट्रेशन चेंज रख रहे हैं, एक का कंसंट्रेशन अलग और दूसरे का कंसंट्रेशन अलग। जैसे ये मान के चले कि हमारे पास क्या है, एक बैटरी की बात कर रहे हैं, ये बीच में क्या है हमारे पास, एक सेपरेशन, यहां पर एक इलेक्ट्रोड रखें, यहां एक और इलेक्ट्रोड। इसकी बात करें, ये मेटल एमएम, तो ये भी क्या होगा, दोनों के लिए एमएम की बात करते हैं, ठीक। यहां पर एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भी सेम ही है। वो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की बात करेंगे तो मान के चलो यहां पर जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन क्या है, सी वन मोलर। हम ऐसा लेके चल रहे हैं, उसका कंसंट्रेशन क्या है, सी वन मोलर। तो हम एक काम करते हैं, यहां का इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, यहां जो हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन देंगे इसके लिए हम क्या बोल देते हैं, इसका कंसंट्रेशन क्या रख लेते हैं, सी टू मोलर, ठीक है। कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोलारिटी की, हम बात करते हैं, मोलारिटी क्या होता है, एन बाई वी, मोल पर लीटर है या नहीं। तो हम कंसंट्रेशन को बात बोलेंगे, एक हमारे पास सी वन मोलर, दूसरा है सी टू मोलर। इसको हम सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, अगर हम इसके सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, हम बोलेंगे सर एक जगह एनोड है और दूसरी जगह क्या है, कैथोड है। तो पहले हम सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या कहते थे, एक सॉल्ट ब्रिज डाले थे, सॉल्ट ब्रिज को ऐसे कुछ डिनोट किया जाता था। बोलेंगे सर सॉल्ट ब्रिज के इस साइड एनोड लिखे थे और सॉल्ट ब्रिज के इस साइड कैथोड लिखे थे। जो हम सॉल्ट ब्रिज के इस साइड एनोड लिखे थे, एनोड पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो हम बोलेंगे सर यहाँ एनोड होगा तो एनोड पर हम ऑक्सीडेशन कर देते हैं। जैसे एम सॉलिड से हम कहाँ भेज दें, एम प्लस, ठीक है, और यह कौन सा हो जाएगा, एक्वस फॉर्म में रहेगा। इसके लिए कंसंट्रेशन क्या दे दिए, सी वन मोलर। फिर कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन। तो सर हम यहां क्या बोल देंगे, यहां पर मेरे पास सेम एम प्लस, ये क्या मेरे पास एक्वस, इसके लिए कंसंट्रेशन क्या है, सी टू मोलर से वापस रिडक्शन होकर कहां चला जाएगा, एम सॉलिड। यही लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास क्या, एक ही इलेक्ट्रोड, उसी इलेक्ट्रोड के एम ही इलेक्ट्रोड की बात बोलेंगे। एक बार एम इलेक्ट्रोड क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, इस प्रोसेस में क्या कर रहा है, ये साइड कौन सा है, एनोड वाला साइड, और एनोड वाला साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये वाला साइड कौन सा है, कैथोड वाली साइड, और कैथोड वाली साइड में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है या नहीं। तो हम इस चीज को लिख सकते हैं, बोलेंगे सर एक जगह हम एनोड की बात करेंगे, एनोड हाफ सेल में हम क्या करें, एम सॉलिड कहां चला जाएगा, एम प्लस कंसंट्रेशन सी वन मोलर प्लस इलेक्ट्रॉन, और अगर हम कैथोड की बात करेंगे
तो कैथोड पर क्या होगा, एम प्लस, इसके लिए सी टू मोलर देते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देगा, एम सॉलिड बनाएगा या नहीं। इन दोनों से अगर हम सेल रिएक्शन लिखना चाहेंगे तो हम क्या बोलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट, यहां कौन सा है एम सॉलिड, यहां कौन सा है एम सॉलिड, कैंसल आउट, तो हमारे पास क्या बन रहा है, एम प्लस सी टू मोलर से क्या बन रखा है, एम प्लस सी वन मोलर। कंसंट्रेशन एक का क्या है, सी टू मोलर, एक का कंसंट्रेशन क्या है, सी वन मोलर। अभी हमको करना क्या है, हम ये जानना चाह रहे हैं कि हम कैसे कितना पोटेंशियल क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम बोले सर अगर हम नेक्स्ट इक्वेशन को लगाए तो हमको एक और चीज निकालना होगा, वो क्या होगा, ई नॉट सेल। एक और चीज निकालना है, कौन सा, ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल कैसे निकाले थे, हम बोले थे सर ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहां से, एम से कहां जा रहा है, एम प्लस, प्लस ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एट ए कैथोड। कैथोड पर क्या हो जाएगा, कैथोड पर एम प्लस से कहां जा रहा है, एम। E नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड पर कहां जा रहा है, एम से एम प्लस। फिर E नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, कैथोड पर क्या हो रहा है, एम प्लस से कहां जा रहा है, एम। इसको लिख सकते हैं या नहीं, तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ E नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, यही होगा। अगर ये रिडक्शन पोटेंशियल लिखाएगा तो अभी ये क्या लिखा जाएगा, एम प्लस से एम प्लस E नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, और ये भी क्या है, एम प्लस से एम। क्या दिख रहा है, एक प्लस में है, एक प्लस में है और दूसरा क्या है, माइनस में, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा इसकी, जीरो हो गया। नहीं तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारे पास जो ई नॉट सेल की वैल्यू आ रही है, ई नॉट सेल हमारे पास क्या आएगा, जीरो, सही है। क्या अब हम इस पर नेक्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं, हम क्या लिखेंगे, अप्लाई नेक्स्ट इक्वेशन। अगर हम नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो हम क्या बोले थे, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस ऑफ 0.059 बाय एन इनटू लॉग ऑफ क्यू, यही बोले थे। तो यहां पर हमारे पास ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आ गई है, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आ गई है, जीरो, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कर रहा था वही रिडक्शन पोटेंशियल कर रहा था। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में ये जितना पॉजिटिव हो रहा था उतना ही रिडक्शन पोटेंशियल हुआ निगेटिव हो रहा था, तो दोनों वैल्यू कंबाइंड हो गए क्या हो गया, जीरो। तो ई नॉट सेल हमारे लिए क्या हो जाएगा, जीरो। तो बताइए ई सेल इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 0.059 बाय एन। एन कितना हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज किए थे, अगर हम एन इलेक्ट्रॉन का चेंज करते तो हम क्या बोलते हैं, एन इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम एन ही रहने देते हैं, लॉग ऑफ क्यू। क्यू क्या लिख सकते हैं बताइए, इस रिएक्शन के लिए क्यू क्या लिखा सकता है, क्यू इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एम प्लस सी वन मोलर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एम प्लस सी टू मोलर है या नहीं। अगर दोनों के कंसंट्रेशन की बात बोले तो हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सी वन बाई सी टू, क्या यही बन रहा है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं इसके लॉग के प्लेस पे, कंसंट्रेशन ऑफ सी वन बाई कंसंट्रेशन ऑफ सी टू, होगा या नहीं होगा, हम ऐसे लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सी वन बाई सी टू, या इसी को अगर हम लॉग की वैल्यू को यहां पलट देंगे तो एक और माइनस आएगा और माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस। तो या तो हम इस फॉर्मूला को भी लिख सकते हैं, हमारे पास ये फॉर्मूला भी होगा। अगर हम प्लस में लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, ई सेल इक्वल टू, ई सेल इक्वल टू 0.059 बाई एन लॉग ऑफ, अगर हम इसको पलट दे ऊपर क्या लिख दे सी टू और नीचे क्या लिख दे सी वन, तो एक और माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो हम एक और ई सेल क्या निकाल सकते हैं, कुछ ऐसा निकाल सकते, क्या आपको क्लियर है कंसंट्रेशन सर। एक बार फिर से देखते हैं, हम क्या बोले कि यहां अगर हमको कंसंट्रेशन सेल में अगर हमको कुछ ना कुछ ई सेल डेवलप करना है, ईएमएफ डेवलप करना है, तो हम यहां क्या करते हैं, इस बार इलेक्ट्रोड को सेम रखते हैं और ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है इसके कंसंट्रेशन को बदल देते हैं, और जैसे ही इसके कंसंट्रेशन को बदलेंगे तो हमारे लिए क्या होगा बताइए, सी वन है, एक कंसंट्रेशन सी वन है और दूसरा कंसंट्रेशन क्या है, सी टू है या नहीं। अगर ये वैल्यू हम चाहते हैं कि मेरा पॉजिटिव, ये सेल जो है मेरा कैसा है, पॉजिटिव सेल है, क्योंकि हमारे लिए पॉजिटिव सेल चाहिए, क्या निगेटिव सेल चाहेंगे, माइनस टू वोल्ट की बैटरी क्या आप कभी खरीदना चाहोगे, माइनस टू वोल्ट की बैटरी, एक रिमोट को चलाना है तो एक काम करो 4 वोल्ट की बैटरी एक और खरीद के लाओ,
फिर उन दोनों को जोड़ोगे तो प्लस 2 वोल्ट की बैटरी होगी जिससे आप रिमोट चला सकते हो। क्या कभी आप ऐसा सेल खरीदना चाहोगे? नहीं चाहोगे। ये निगेटिव सेल हम क्यों खरीदे? निगेटिव सेल मेरे किस काम का है? मेरे लिए तो जो ईएमएफ देगा सही है, जो ईएमएफ खुद खा लेता, क्या वैसा ईएमएफ को हमको यूज कर सकते हैं? नहीं यूज करेंगे। तो हम क्या चाहेंगे कि सर हमारे पास जो सेल होना चाहिए वो कैसा रहे? पॉजिटिव रहे। अगर सेल पॉजिटिव रहेगा तो बताइए इसके पॉजिटिव आने के लिए ये वैल्यू को क्या बनना पड़ेगा? पॉजिटिव। और ये वैल्यू का पॉजिटिव कब होता है? जब इस वैल्यू की जो ये वैल्यू है लॉग ऑफ सी टू बाई सी वन, ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन वन, तभी होगा। यहां देखिए इस चीज को ध्यान से देखते हैं। अगर हम चाहते हैं कि मेरा ई सेल कैसा है? पॉजिटिव है, जो हम चाहेंगे बिल्कुल कि ई सेल मेरा कितना आना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम बोलेंगे सर ये वैल्यू तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी, ये आने वाला ये वाला जो पार्ट है ये क्या होगी? हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को भी क्या रहना पड़ेगा? पॉजिटिव रहना पड़ेगा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि सर ये जो हमारा लॉग ऑफ सी टू बाई सी वन है ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन जीरो है या नहीं? या जीरो को हम क्या लिख सकते हैं? इसी जीरो को हम क्या लिख सकते हैं? लॉग ऑफ वन लिख सकते हैं या नहीं? तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर सी टू बाई सी वन को क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन वन। तो हम बोल सकते हैं सर सी टू इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? सी वन। क्या ये सबको क्लियर हो रहा है? लॉग की वैल्यू की अगर हम बात बोलेंगे, लॉग की यहां देखिए, लॉग की ग्राफ बना दो। ये हमारे पास क्या है? लॉग की ग्राफ। ये वैल्यू क्या होती है? वन। अगर हम वन से ज्यादा लेंगे, वन से ज्यादा लेंगे तो वैल्यू हमको क्या मिलेगी? पॉजिटिव। वन से ज्यादा लेंगे तो क्या मिलेगी? पॉजिटिव मिलेगी, है या नहीं? तो हम बोलेंगे कि सर अगर इस वैल्यू को हमको पॉजिटिव बनाना है, ई सेल को पॉजिटिव बनाना है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए लॉग वाली, और लॉग वाली ये वैल्यू पॉजिटिव होने के लिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन वन। अगर ग्रेटर देन वन लेंगे तो क्या लिखेंगे? सी टू बाई सी वन इज ग्रेटर देन वन। इसका मतलब सी टू इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? सी वन। इसका मतलब सर यहां जो हम कंसंट्रेशन लेंगे ये कौन सा होना चाहिए? हायर कंसंट्रेशन। ये कौन सा होना चाहिए हमारे पास? लोअर कंसंट्रेशन। क्या यहां सबको क्लियर है कि हम कैसे निकाल रहे हैं? सही है। तो यहां जो हम बात कर रहे थे वो किसकी बात कर रहे थे? कंसंट्रेशन सेल की। सर एक सेल यहां ले लेंगे, दूसरा सेल यहां ले लेंगे, फिर एक इलेक्ट्रोड यहां, दूसरा इलेक्ट्रोड यहां, एक कंसेंट्रिक सॉल्यूशन यहां, दूसरा कंसेंट्रिक सॉल्यूशन यहां। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात बोल रहे हैं। एक का कंसेंट्रेशन सी वन, दूसरा कंसेंट्रेशन सी टू। सी टू का जो कंसेंट्रेशन है वो ज्यादा होना चाहिए किससे? सी वन से। तो हम सी टू इज ग्रेटर देन सी वन ले लिए। फिर हम इसके लिए सेल रिप्रेजेंटेशन लिख लिए। सेल रिप्रेजेंटेशन में एक एनोड यहां पर क्या रिएक्शन होगा वो लिख लिए, फिर कैथोड पर क्या होगा वो लिख लिए। इससे क्या हो गया? हमारे पास एक सेल की वैल्यू आ गई। फिर उससे हम क्यू की वैल्यू निकाल लिए, क्यू क्या आएगा, और उसको हम नेक्स्ट इक्वेशन पे अप्लाई कर दिए। नेक्स्ट इक्वेशन पे अप्लाई कर दिए तो हमको ये पता चल गया कि हाँ इसका ईएमएफ कितना जनरेट होगा। सही। अब हमारे पास देख दें कोई भी इक्वेशन हमारे पास गिवन होगा तो हम इजिली क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं कि सर अगर वो उसकी वैल्यू क्या बनेगी कंसंट्रेशन। जैसे एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं क्या वैल्यू बनती है इसकी। एक क्वेश्चन लेकर के देखते हैं, यहां पर हो गया था हमारे पास कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए? सी टू का कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए सी वन से। तो अगर देखिए कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है आपके पास जो सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन होगा ना, आप सेल रिप्रेजेंटेशन से भी निकाल सकते हो कि ये जो आपके पास सेल बना हुआ है वो सेल फिजिबल है या नहीं है। क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है कि बताओ ये सेल फिजिबल है या नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं? सेल फिजिबल कब होगा? जब ई सेल की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव आएगी, तो हम बोलेंगे सेल फिजिबल। अगर ई सेल की वैल्यू निगेटिव आएगी तो हम बोलेंगे सेल नॉट फिजिबल है या नहीं। तो आप डायरेक्ट कंसंट्रेशन देख करके भी बता सकते हो कि अच्छा इसकी सी टू की कंसंट्रेशन ज्यादा है या नहीं। अगर सी टू की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो डेफिनेटली बोलोगे कि वो सेल फिजिबल है। अगर सी टू की कंसंट्रेशन लेस होगी तो सिंपल सी बात है आपकी ई सेल किस में आएगी? निगेटिव में आएगी, तो आप बोलोगे कि डेफिनेटली वो सेल फिजिबल नहीं होगा। अभी हम एक दो क्वेश्चन बना करके देखते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन कुछ इस टाइप से गिवन है, एक निकेल सॉलिड है, कहाँ जा रहा है? Ni प्लस टू में। इसके लिए दिया हुआ है 0.001 मोलर, कंसंट्रेशन गिवन है, और फिर ये Ni प्लस टू दूसरा का कंसंट्रेशन है 0.01 मोलर, और ये कहाँ जा रहा है? निकेल सॉलिड पे। एक आपके पास में ये क्वेश्चन दिया हुआ है,
एक और क्वेश्चन गिवन, दूसरे क्वेश्चन में हम बात करेंगे ए जी सॉलिड्स कहां जा रहा है, ए जी प्लस में, इसके लिए कंसंट्रेशन है 0.01 मोलर, यहां कौन सा सॉल्ट ब्रिज, फिर हम क्या बोलेंगे ए जी प्लस 0.001 मोलर से यहां कहां जा रहा है ए जी सॉलिड। अब हमको बताना है कि ठीक है बताओ इस दोनों सेल से, इस वाले सेल से जो ई सेल बनेगा उसकी वैल्यू क्या होगी और ई सेल की पोटेंशियल दोनों में क्या क्या होगी और कौन सा सेल फिजिबल है और कौन सा सेल फिजिबल नहीं है। अगर आपके पास ना ऐसा क्वेश्चन गिवन रहा तो देखिए आप इसको कैसे बनाएगा। पहले हम आपको प्रोसेस से बना देते हैं, फिर बाद में आपको हम बता देंगे कि आप डायरेक्ट देख करके कैसे बता सकते हो। सबसे पहले हम क्या बोले सर, ई सेल इक्वल टू कितना लिखे थे, प्लस 0.059 बाई एन इंटो लॉग ऑफ C2/C1, यही आया था हमारे पास फाइनल रिजल्ट कंसंट्रेशन सेल के लिए। अगर फाइनल रिजल्ट ये आया था तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन की बात बोल रहे हैं। क्या दिया हुआ है, निकेल एनआई से कहां गया, एनआई प्लस टू पर, एनआई प्लस टू पर, और कितना करता है दो इलेक्ट्रॉन, वहां पर भी सेम होगा, यहां क्या होगा कैथोड पर एनआई प्लस टू दो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देगा एनआई सॉलिड। इसका मतलब यहां एन की वैल्यू क्या हो रही है टू, अगर एन की वैल्यू टू हो रही है तो इसके लिए ई सेल कैसे निकालेंगे, ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.059 बाई एन की वैल्यू टू इंटू लॉग ऑफ C2/C1। C2 कंसंट्रेशन हमारे पास कितना है 0.01 मोलर और डिवाइडेड बाई C1 कंसंट्रेशन कितना है 0.001 मोलर, यही वैल्यू है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या होगा 10^3, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 10^2, ये दोनों कैंसल आउट तो ये वैल्यू कितनी बनेगी 10, लॉग 10 की वैल्यू कितनी बनेगी 1। इसका मतलब हम बोल सकते हैं सर ई सेल की वैल्यू क्या आ गई 0.06 लिख देते हैं डिवाइडेड बाई 2 इंटू लॉग ऑफ 10, लॉग 10 की वैल्यू 1, ये सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.03। तो हम बोलेंगे सर हमारे पास जो ई सेल की वैल्यू आ रही है वो कितना आ रही है 0.03 वोल्ट। एक बार ये आया, दूसरी बार अगर हम इसको सॉल्व करते हैं सेकेंड क्वेश्चन के लिए एजी वाले के लिए, तो हम क्या बोल सकते हैं जो हमारे पास ई सेल होगा, ई सेल इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाय एन लॉग ऑफ C2/C1, और इसके लिए एजी से कहां जा रहा है, एजी से एजी प्लस में प्लस इलेक्ट्रॉन, कैथोड पर क्या होगा एजी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स एजी सॉलिड, यही बनेगा। यहां से अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो हम बोलेंगे एन के लिए क्या होगा वैल्यू 1, एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो रहा है तो इसके लिए ई सेल क्या लिख सकते हैं 0.059 को 0.6 लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू क्या होगी 1 इंटू लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ C2, C2 की कंसंट्रेशन कितनी है 0.001 और डिवाइडेड बाय ये वैल्यू कितनी है 0.01 है या नहीं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा नीचे 10^3 और ऊपर कितना हो जाएगा 10^2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10^-1 होगा या नहीं 0.06 इंटू लॉग ऑफ 10^-3, 10^3 नीचे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10^-3, तो लॉग ऑफ 10^-1 माइनस 1 बाहर आ जाएगा तो हमारे पास कितना बनेगा 0.-0.06 वोल्ट आया ई सेल। अब देखिए एक बार क्या हो रहा है, एक बार आपके पास में ई सेल की वैल्यू प्लस में आ रही है तो बिल्कुल ये सेल कैसा होगा फिजिबल होगा, और एक बार ई सेल की वैल्यू क्या आ रही है माइनस में आ रही है तो हम बोलेंगे बिल्कुल ये सेल क्या होगा फिजिबल नहीं होगा, क्योंकि हम ऐसा कोई भी बैटरी नहीं चाहेंगे जो माइनस वोल्टेज हमको दे, तो हम क्या चाहेंगे हमेशा ही जो हमारे पास ई सेल की वैल्यू है वो हमेशा किस में आनी चाहिए पॉजिटिव में आनी चाहिए। तो बताइए यहां पर क्या देखिए, फर्स्ट वाला कैसा था, फर्स्ट वाला फिजिबल था और सेकंड वाला फिजिबल नहीं था, क्यों, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन देखते, इसकी कंसंट्रेशन क्या है C2 ज्यादा है किससे
C1 से है या नहीं? तो हम क्या देखें, अगर C2 की वैल्यू ज्यादा हो रही है किससे, C1 से, तो हमारे पास जो ये सेल है ये फिजिबल रहेगा, मतलब ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। यहां पर क्या है, C1 ज्यादा है और C2 कम है या नहीं, तो हम क्या बोले C2 इज लेस देन C1 था, तो यहां पर ये वैल्यू कैसे आएगा, ई सेल की वैल्यू निगेटिव में आ गई, इसका मतलब सेकेंड वाला सेल क्या है, फिजिबल नहीं। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि कौन सा फिजिबल होगा कौन सा नहीं होगा। आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को पूरे सॉल्व करने से पहले आप डायरेक्ट सिर्फ यहां पर ध्यान ले लेते कि अच्छे कैथोड वाला है, कैथोड वाला सेकंड सेल की बात बोलेंगे, तो कैथोड वाला का क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है एनोड वाले के कंसंट्रेशन से, इसका मतलब ये वाला सेल तो डेफिनेटली बनेगा, ये फिजिबल होगा। यहां पर देखें कैथोड वाला का कंसंट्रेशन क्या है, कम है, एनोड वाले का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, तो हम बोलेंगे हाँ डेफिनेटली यहां पर ये सेल नहीं बनेगा, ये सेल निगेटिव में देगा, कहीं ना कहीं माइनस में देगा, तो हम बोलेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ये नॉट फिजिबल होगा। भले ही जो भी आपको अगर क्वेश्चन दे देता है तो आंसर तो आपको निकालना, माइनस में भले ही आप आंसर निकाल के दे दीजिएगा, बट अगर फिजिबिलिटी की बात बोलेगा कि वो फिजिबल है या नहीं है, तो आप क्या बोलेगा, नॉट फिजिबल, ऐसा कोई फिजिबल नहीं होगा। ये मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं होगा, फिजिबल नहीं होने का मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियस नहीं, अपने आप नहीं होगा, इसको करने के लिए हमको क्या देना पड़ेगा, अलग से एनर्जी देना पड़ेगा, फिर ये क्या होगा, वापस चलना स्टार्ट होगा या नहीं। जैसे इस सेल की बात बोलेंगे, इसका कितना है, -0.06 वोल्ट, तो इसका मतलब क्या है, इसको बाहर से -0.06 वोल्ट देंगे तब ये जीरो आएगा, अगर हम बाहर से -0.07 वोल्ट देंगे तब कहीं जाकर के वो काम करेगा कितना, 0.01 वोल्ट के अप्रोक्स काम करेगा, ये तो ज्यादा नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका माइनस जो 0.07 लेकर के आए थे वोल्ट, उसमें से 0.06 वोल्ट तो यही खा गया, यही खत्म कर दिया, तो हमारे पास यूजफुल सिर्फ कितना रहा, 0.01 वोल्ट। तो इसीलिए हम बोले कि ये हम कुछ ऐसे फिजिबिलिटी की बात कर सकते हैं। आपको ये क्लियर रहा होगा, कॉपी कर लीजिए इसको फटाफट। हो गया कॉपी, चलिए चलिए, ये जो भी हम बात कर रहे थे, ये जो कैसा था, सॉलिड इलेक्ट्रोड की बात कर रहे थे, अब हम एक गैसेस इलेक्ट्रोड की भी बात कर लेते हैं। गैसेस इलेक्ट्रोड कैसा होता है, बोलेंगे सर एक इलेक्ट्रोड कुछ ऐसा लेते हैं, मान के चलिए कि हम एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले लिए, इसमें क्या करना, हाइड्रोजन गैस की बात बोल रहे हैं, तो हमारे पास एक H2 गैस है, इसके लिए मान के चलिए P1 ATM प्रेशर कुछ ऐसा, यहां से हम बोलेंगे कहां जाएगा, H+ में, H+ के लिए कंसंट्रेशन मान के चलिए सी मोलर है, इसके लिए कंसंट्रेशन सी मोलर है, फिर यहां पर भी क्या है, H+, इसके लिए भी कंसंट्रेशन क्या है, सी मोलर, और ये यहां से कहां चला जाता है, H2, और इसके लिए मान के चलिए कि प्रेशर क्या है, P2 ATM, और हम बात बोलेंगे किसके लिए, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के लिए, कुछ ऐसे डिनोट कर रहे हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है दोनों साइड हमारे पास, जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं उसको हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की बात बोल रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस को फिल करें, हाइड्रोजन गैस फिल करेंगे तो हाइड्रोजन गैस कहाँ होगा, एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होकर के उसके रॉड पर बैठेगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि इस बार हमारा क्या है, कंसंट्रेशन सेम, कंसंट्रेशन में हम कोई फर्क नहीं लाए, पर इस बार जो हम चेंज कर रहे हैं किस पे चेंज कर रहे हैं, प्रेशर पे चेंज कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले जो पहला हाइड्रोजन गैस फिल हुआ था उसका एक प्रेशर कितना था, P1 ATM, और दूसरा जो हाइड्रोजन गैस हुआ था उसके लिए प्रेशर कितना था, P2 ATM। हम दो अलग अलग प्रेशर की बात बोल रहे हैं, पहले वाले हाइड्रोजन गैस के लिए अलग प्रेशर बता रहे, दूसरे वाले जो एनोड पर है उसके लिए अलग प्रेशर है, जो कैथोड पर है उसके लिए अलग प्रेशर है। फिर हम ये देखना चाह रहे हैं कि इन दोनों से क्या कोई हमारा सेल जनरेट हो सकता है या नहीं हो सकता। हम फिर क्या करेंगे, सेम प्रोसेस पे जाएंगे, कुछ भी प्रोसेस में अलग नहीं करेंगे, जैसा हमारा नर्स्ट इक्वेशन निकलता है बिल्कुल वैसा ही नर्स्ट इक्वेशन निकालेंगे, निकाल के देखते हैं क्या होता है। जैसे हम ये बोलेंगे कि सर हमारे पास सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक एनोड हाफ से लिख लेते हैं, सिंपल सी बात है, दो। अगर इससे पहले की बात करेंगे तो ये क्या होगा, एनोड, इसके बाद की बात करेंगे तो वो क्या होगा, कैथोड। तो यहां पर क्या होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब सर H2 किस में जा रहा, H+ में बैलेंस कर रहा है, ट्वाइस ऑफ H+ +2 इलेक्ट्रॉन, ये दे सकते हैं। ये रिएक्शन कहां रहा होगा, एनोड पर रहा होगा, इसके लिए यहां कितना है, P1 ATM, प्रेशर कितना दे रहा हुआ, P1 ATM। कैथोड पर क्या है सर, H+ से कहां जा रहा है, H2 पर, इसके लिए कितना है, C1 मोलर गिवन, मतलब C मोलर गिवन। फिर हम कैथोड की बात करेंगे, कैथोड पर सर हमारे पास क्या होगा,
एच प्लस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्या बना देगा, एच टू, तो इसको भी बैलेंस करेंगे तो ट्वाइस ऑफ एच प्लस। इसके लिए भी क्या है, कंसंट्रेशन पी मोलर, और इसके लिए यहां जो प्रेशर है इसका प्रेशर कितना दे दिया हम, पी टू ए टू, कुछ ऐसा गिवन कर दी। फिर हम इसके लिए नेट सेल रिएक्शन लिख लेते हैं, सेल रिएक्शन। जब इसका सेल रिएक्शन लिखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, सर दो इलेक्ट्रॉन यहां से और दो इलेक्ट्रॉन यहां से, कैंसल आउट, क्योंकि यहां भी क्या है ट्वाइस ऑफ एच प्लस सी मोलर और यहां भी क्या है ट्वाइस ऑफ एच प्लस सी मोलर, तो हम इन दोनों को क्या कर दिए, कैंसल आउट। ये दोनों भी क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसल आउट। तो हमारे पास क्या बचेगा, सर एच टू एट पी वन एट एम इज एच टू एट पी टू एट, यही हमारे पास बनेगा। तो बताइए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना कैंसिल आउट किया, टू, तो एन की वैल्यू क्या लिख देंगे, टू। अगर इसके लिए हमको क्यू लिखना होता तो रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यू लिख, क्या लिखते, पार्शियल प्रेशर ऑफ एच टू, ठीक है, यहां कौन सा है पी टू एटीएम, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ एच टू, और पहले वाले के लिए क्या है पी वन एटीएम। अगर प्रेशर के रेंज में लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, पी टू बाई पी वन, कोई प्रॉब्लम यहां तक, इजीली क्यू की वैल्यू लिख ली। अब बोलेंगे सर एक काम करते हैं, इस पे हम नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं, तो अगर हम बोलेंगे अप्लाई नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन से हमको क्या मिल जाएगा, इसकी ईएमएफ सेल की वैल्यू मिल जाएगी। हम क्या बोलेंगे, ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस ऑफ 0.059 बाय एन इनटू लॉग ऑफ क्यू। अभी ई नॉट सेल नहीं निकाले तो एक बार फिर से ई नॉट सेल निकाल के देख लीजिए, ई नॉट सेल क्या लिखेंगे, E नॉट सेल इक्वल टू E ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल होगा या नहीं। तो अगर हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करेंगे तो इसके लिए कितना हो जाएगा, जीरो, कैथोड एनोड क्या होता है, दोनों ही जीरो बन जाए, तो हम क्या बोल सकते हैं इसके लिए क्या होगा, वैल्यू जीरो। तो हम ई सेल, हमारे ई नॉट सेल हमारे लिए कितना आ गया, जीरो। तो हम बोलेंगे सर ये ई नॉट सेल की वैल्यू हमारे लिए कितनी हो गई, जीरो। तो ई सेल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 0.059 डिवाइडेड बाई, यहां पर कितना है, टू इलेक्ट्रॉन्स की बात की है तो नीचे क्या दे देंगे, टू इलेक्ट्रॉन्स लॉग ऑफ क्यू, क्यू के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, पी टू बाई पी वन, होगा या नहीं। तो एक तो हम डायरेक्ट ये क्वेश्चन लिख लिए, अगर हम माइनस में नहीं चाहते इसको प्लस में चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, ई सेल इक्वल टू, इसको क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम प्लस देंगे पी वन बाई पी टू कर देंगे तो एक और माइनस चल जाएगा, माइनस माइनस में क्या बन जाएगा प्लस, तो हम क्या बोलेंगे 0.059 बाय 2 इंटू लॉग ऑफ पी वन बाई पी टू, यही बनेगा, होगा या नहीं। और ये वैल्यू 0.059 कहां से आया था, आरटी, आरटी बाई एफ से आया था या नहीं। तो बताइए ई सेल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2.303 आरटी डिवाइडेड बाई, ये 2 के लिए एन लिख लेते हैं और एफ लॉग ऑफ पी वन बाई पी टू लिख सकते हैं, होगा या नहीं। क्योंकि जैसे ही प्रेशर आ जाता है तो आपके लिए क्या होता है, आइडियल का इक्वेशन लगा सकते हैं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको आर टी अपना एन एफ के फॉर्म में भी लिख दिए, तो हम क्या लिखेंगे 2.303 आर टी डिवाइडेड बाई ये एन, ये जो टू लिखे हैं ये किसकी वैल्यू, एन की वैल्यू है ना, तो यहां पर हम एन को एन के फॉर्म में लिखे डिवाइडेड बाई एन इंटू एफ लॉग ऑफ पी वन बाई पी टू, क्लियर है सबको। तो आप यहां से क्या कर सकते हो, इजिली निकाल सकते हो वैल्यू। अगर इसका मतलब क्या हो गया सर, अगर हम कंसंट्रेशन बदल दे, दो सेम इलेक्ट्रोड रखे, सेम इलेक्ट्रोड रख करके अगर हम कंसंट्रेशन बदल ले तो भी मेरा ईएमएफ सेल जनरेट होगा। अगर हम सेम इलेक्ट्रोड रख करके गैसेस इलेक्ट्रोड रख करके वहां प्रेशर को बदल दे तो भी हमारे लिए क्या होगा कि सेम टाइप से हम फिर से ईएमएफ जनरेट कर सकते हैं। इसका मतलब ईएमएफ जनरेट करने के लिए मल्टीपल मेथड है, दो अलग अलग इलेक्ट्रोड रखकर भी कर सकते हैं, दो सेम इलेक्ट्रोड रखकर भी कर सकते हैं, गैसेस इलेक्ट्रोड रखकर भी कर सकते हैं। तो ये हम ईएमएफ कभी कैसे भी जनरेट कर सकते हैं, बस हमको टेक्निक आना चाहिए कि कैसे कैसे हम ईएमएफ को जनरेट कर सकते हैं। यहां तक आई थिंक आपका क्लियर रहा होगा, आपको पता चला होगा कि कैसे हम डिफरेंट सेल्स के लिए निकाल सकते हैं। ये तो बात किए थे हम कंसंट्रेशन सेल की, इसके आगे हम बात करेंगे मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट और एनायन, ठीक है। मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन के लिए हम कैसे लिखते हैं, कैसे उसका ई सेल जनरेट करते हैं, अभी हम आगे इन सब की बात करेंगे। आप पहले इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट जल्दी।
अब हम एक इंपॉर्टेंट नोट को लिखेंगे। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट नोट को लिखते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट नोट हमारे पास क्या आता है, बिल्कुल उसको 2-3 स्टार मार दीजिएगा इंपॉर्टेंट नोट को, फिर उसके बाद उसको कॉपी कीजिएगा और वो आपको क्लियर होना चाहिए हमेशा। जो नोट अभी आपको लिखाएंगे वो नोट बिल्कुल टिप पर होना चाहिए, आप उसको शॉर्ट नोट्स में बिल्कुल ऊपर लिखिए। रीस्टार्ट मार दीजिए इस पर, ठीक है। देखिए एक नोट क्या है, सबसे पहले सर जब हम इक्विलिब्रियम की बात किए थे, कब बात बोल रहे थे, एट इक्विलिब्रियम, तो हम क्या बोले थे कि सर जब हम इक्विलिब्रियम की बात किए थे तो इक्विलिब्रियम कब हम बोले थे कि जब हमारा सेल काम करना बंद कर दिया था, मतलब आयंस क्या हो गया था, इक्विलिब्रियम पर आ गया था, तो हमारा सेल काम करना बंद कर दिया, कोई भी करंट फ्लो नहीं हुआ, तो हमारा रिमोट नहीं चल रहा था, है या नहीं। और सेल कब काम करना बंद करता है, जब उसका ईएमएफ क्या हो जाता है, जीरो। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सर इक्विलिब्रियम पर हमारे पास ई सेल की वैल्यू क्या थी, जीरो, थी या नहीं थी। और बताइए डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल, है या नहीं। अगर ई सेल की वैल्यू जीरो हो गई तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो हम बोल सकते हैं सर इक्विलिब्रियम पर ई सेल अगर जीरो हो गया तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है नहीं। पर इस समय हम क्या निकाले थे, क्या हमारे पास ई नोट सेल की वैल्यू भी जीरो आ रही थी, नहीं, ई नोट सेल की वैल्यू हम वहां कैलकुलेट कर रहे थे। तो हम बोलेंगे सर यहां पर हमारे लिए ई नोट सेल क्या था, नॉट इक्वल टू जीरो। अब बताइए डेल्टा जी नोट इक्वल टू क्या लिखे थे, माइनस एन एफ ई नोट। अगर ई नोट सेल जीरो नहीं है तो क्या डेल्टा जी नोट कभी जीरो होगा, नहीं होगा। तो हम बोलेंगे इसके लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नोट भी जीरो नहीं होगा। क्या ये क्लियर है सबको, ये तो किसके लिए था, एट इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है। अगर हम बोलेंगे इन कंसंट्रेशन सेल, अभी जो हम पढ़ रहे थे, अगर हम कंसंट्रेशन सेल की बात बोल रहे हैं तो कंसंट्रेशन सेल में हम क्या बोले कि सर क्योंकि हम एक ही इलेक्ट्रोड लिए, यहां भी एम लिए थे यहां भी एम लिए थे, जब दोनों हम एम एम लिए थे तो हम क्या बोल सकते थे कि सर यही एम एक बार क्या कर रहा था, ऑक्सीडेशन कर रहा था, और यही एम एक बार क्या कर रहा था, रिडक्शन कर रहा था। तो जो इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू थी उसके निगेटिव उसकी क्या थी, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू थी। तो दोनों मिलकर के अल्टीमेटली क्या हो जा रहा था, जीरो हो जा रहा था। तो वो वैल्यू किसके लिए था, इनोड सेल की वैल्यू निकाल देते। इनोड सेल कैसे निकालते थे, ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड और दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल। तो सर जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था वही रिडक्शन पोटेंशियल था, इसीलिए वो दोनों की वैल्यू मिला के क्या हो गई, जीरो। इसका मतलब इन कंसंट्रेशन सेल हमारे पास इनोड सेल की वैल्यू क्या आई थी, जीरो। तो हम क्या बोलेंगे कि सर यहां हमारे लिए क्या होगा, इनोड सेल की वैल्यू जीरो। अगर ई नोट सेल की वैल्यू जीरो है, यहां बताइए ई नोट सेल की वैल्यू जीरो है तो डेल्टा जी नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो हम बोलेंगे सर यहां पर हमारे पास डेल्टा जी नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। पर यहां पर जब ई नोट सेल की वैल्यू जीरो थी तो यहां पर हम क्या निकाल रहे थे, ई सेल की वैल्यू निकाल रहे थे, हम बता रहे थे इसकी ईएमएफ कितनी होगी। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, ई सेल हमारे लिए क्या था, नॉट इक्वल टू जीरो, तो डेल्टा जी भी यहां हमारे लिए क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। इन दो कंडीशंस को बिल्कुल आपके टिप पर होना चाहिए, आपको बिल्कुल बहुत बार आपको यूज करना है। आगे जब आपके पास में क्वेश्चंस आएंगे, जब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे वहां पर आपको बिल्कुल जैसे इक्विलिब्रियम आएगा आपको समझ जाना है कि इनोड सेल की वैल्यू जीरो होगी, हमको मतलब ई सेल की वैल्यू जीरो होगी, हम यहाँ इनोड सेल की वैल्यू से फाइंड आउट कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या होगी, या कि इक्विलिब्रियम की वैल्यू गिवन होगी तो हम क्या निकाल सकते हैं, इनोड सेल निकाल सकते हैं, सही है। ये चीज बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। तो आज की क्लास हम लोग यही कंप्लीट करते हैं, कल की क्लास में हम लोग मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट और एनायन के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे कि उससे हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकालते हैं, और उसका मेनली बेसिक कॉन्सेप्ट होता क्या है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का है तो बिल्कुल थोड़ा सा प्रिपेयर रहेगा, तैयार रहेगा, आज तक जितना पढ़ा है उसको पढ़ के आइएगा, क्लियर रहेगा तो हम इजीली आगे बढ़ सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अपने कमेंट को लिखिए, ठीक है। आप कमेंट में लिखिए अपने प्रॉब्लम्स को, हम जैसा भी होगा हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। थैंक यू।